हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज मी एना हियर। तो आज मैं दार्जिलिंग साइट सीइंग करने के लिए आई हूँ। बहुत दिन हो गया दार्जिलिंग आते हुए, लेकिन हाँ बहुत दिन से आई वॉज स्पेंडिंग टाइम विद द विलेजर्स और आंटी अंकल दर्शन के फैमिली के साथ। हेलो हेलो, आंटी को कॉल होने वाला है। नमस्ते, सब पे जाना लाए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आई हूँ, आंटी और आशु हम तीनों आए हैं दार्जिलिंग साइट सीइंग करने। थैंक यू मुझे कंपनी करने के लिए। बताशा लूप में ये जो है बहुत ही फेमस है। अगर आप लोगों को ट्रेडिशनल कस्टम कॉस्ट्यूम ट्राई करना है तो यहाँ पे आना है। तो मुझे सबसे पहले तो वही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो यहाँ पर आ गए हैं। एंट्री टिकट जो है 30 रुपीज है। ड्रेस, हाँ ड्रेस पहन के घूमेगा ना। ओके, हाँ चला। तो यहाँ है ऐसा, ये देखिए, ओ इतना सुंदर लग रहा है ये लोग। ये देखिए यहाँ पर जॉय राइड ट्रेन का रेल है। वो मैं कल परसों दूसरा व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि बहुत टिकट जो है एडवांस लेना पड़ता है और 1500 होता है टिकट। तो और कल रोपवे करूंगी, आज का दिन जो बस लोकल साइट सीइंग करेंगे। यहाँ पे कितना होता है? 50 रुपीज। ये देखिए ट्रेन आ गया जॉय राइड। तो गाइस मैं तैयार हो रही हूँ। अभी यूट्यूबर है। हाँ, चैनल का नाम दबायाम है ना। दबायाम है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। गाइस मैं तैयार हो गई हूँ, कैसे लग रही हो आप लोग जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। वाओ, ये गाइस ये जो वार मेमोरियल दिख रहे हैं, ये हमारे गोरखा रेजिमेंट आर्मी के हैं जो वार पे शहीद हो गए हैं। वार मेमोरियल है। हाय गाइस, अभी देखिए मैंने ये ट्रेडिशनल पहन लिया है। तो ये है ट्रेन जो है, जो रेंटल ट्रेन ऐसा दिखता है। सीट जो है हमें और विंडोज पूरा खाली ऐसा है। अभी ऐसा देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है। यहाँ से पूरा व्यू देखिए बाहर साइड का, बहुत सुंदर है। कैसा लग रहा है आसुम में? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। नेपाली जैसा दिख रहा है। बहुत राम रो छा। अभी फोटोज क्लिक करते बाहर। चलो ये लिखे यहाँ पर, हिस्ट्री लिखा है बताशा लूप एंड वार मेमोरियल का। ये देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सोविनेर्स वगैरह, कपड़ा सब कुछ मिलता है। तो ये ट्रेन जो एक्चुअली यहाँ पर 15 मिनट के लिए रुकते हैं, जो भी टूरिस्ट ये ट्रेन में जाते हैं तो यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं आप लोग। हाँ हाँ हाँ, दो को लेके अभी फोटो खींचती हूँ। ये देखिए गाइस यहाँ पर कंचनजंगा पॉइंट है। यहाँ से आप लोग रेंट पे लेके प्राइस देके कंचनजंगा देख सकता है यहाँ से। ये टोको बोलता है नेपाली में। ये टोकरी है, तो ये लोग ट्रेडिशनल मतलब चाय पत्ती बगान में काम करते हैं, तो चाय पत्ती तोड़ते हैं। उसका स्टीम इंजन बोलते हैं जॉय राइड का। डीजल वाला भी होता है और स्टीम इंजन वाला भी होता है, तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा जाना है। तो अभी ये जाने ही वाला है, देखिए मेरे पीछे। अच्छा आंटी, बहुत अच्छा। हाँ नेपाली जैसा दिख रहे हो। नेपाली राम्रो छ, राम्रो छ, ब्यूटीफुल छ, राम्री देखिराखेको छ। आउट ऑफ 10 कितना लग रहा है नेपाली दिख रहे हो? 1 नहीं बोला, समझ में नहीं आया। मैं बोला ना 10 पॉइंट से मैं कितना नेपाली लग रहा है? 10 में 10 अपन 10 ना। किसी को भी ये नहीं होगा, डाउट नहीं होगा कि मैं नेपाली नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं पहचान पाया। बोल रहे हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए कौन आया है। हेलो, दर्शन का दीदी है। बहुत सुना आपके बारे में। फाइनली वी गेट टू मीट हियर, सिर्फ आपसे मिलने के लिए। ओ नहीं, तो यही थे ऊपर। बताशा लूप पे रहती है वो, तो जस्ट हमें मिलने आए हैं। उसका आशु और आंटी और हम लोग सब यहाँ पे मिल रहे हैं और वो वापस चली जाएगी। थैंक यू मिलने आने के लिए। okay. दीदी का भी ब्लॉग है तो जरूर चैनल चेकआउट करना, आप बता दीजिए नाम। हमारा ब्लॉग का नाम है नॉर्थन ब्लॉग, NORTN, तो डिस्क्रिप्शन में डाल देना। जरूर जरूर, नॉर्थन ब्लॉग से जरूर चेकआउट करना। बाय।
हेलो हाय, मजा आ रहा है ना आज? बहुत मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ड्रेस पहन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी को थैंक यू, बहुत ज्यादा ज्यादा थैंक यू। मुझे आज लेके दार्जिलिंग साइट सीइंग करने आई है, अपनी दुकान भी बंद करके आई है, इसलिए बहुत ज्यादा देर सारा प्यार भेजना आंटी के लिए कमेंट्स में। और आंटी का चैनल भी संगीता किचन भी देखना। संगीता किचन आज बंद कर दिया है, दुकान भी बंद कर दिया है, कोई वीडियो नहीं बनाया, मेरे साथ आए हैं, तो बहुत सारा प्यार भेजना। कल भी आएंगे हम फिर है ना? कल भी हम, हाँ दार्जिलिंग आएंगे। अब हम जाएंगे जापानीज टेम्पल और कहाँ जाएंगे? रिफ्यूजी सेंटर। हाँ रिफ्यूजी सेंटर, तो बने रहिए व्लॉग में, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ बहुत ज्यादा जगह जा रहे हैं, तो बने रहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे, यहाँ से निकल रहे हैं। ये कपड़ा जो है इज ओनली 50 रुपीज कॉस्ट, ये जो ट्रेडिशनल कपड़े है, पहन के इतने सारे फोटो वीडियो ले लिया मैंने, पूरा पैसा वसूली कर लिया। तो चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। हाय करो, हाय, न्यू सब्सक्राइबर मिला, बाय बाय गाइस। क्लोजिंग टाइम जो है 2 PM का है, तो हम तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, 11 बज गया है। तो गाइस अभी हम आए हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, जापानीज टेम्पल है और उसके बाजू में ही पीस पगोडा है। तो ये देखिए, ये है जापानीज टेम्पल और इसके बाजू में ही है, ये है पीस पगोडा, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं। आंटी आप कब आया था पहले? जब मेरा बेटा और बेटी बच्चा था ना, छोटा छोटा था ना, हाँ, उस समय आया था। हाँ, हम तो रास्ते भी भूल गया था तो मतलब 15-20 साल बाद आ रहे ना। पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है ना? कुछ बदल गया? थोड़ा कुछ बदल गया। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं। मिलने के लिए बात थी ना? तो पीस पकोड़ा है, इसको हिंदी में शांति स्तूपा भी बोलते हैं। अगर आप लोगों को दर्शन करना है तो आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि बहुत शांति और शांति मिलते हैं यहाँ पर आके दर्शन करने से। बोलते पीस पकोड़ा जो है पूरा इंडिया में 7 है, 1 इज हेयर इन दार्जिलिंग, ये देख सकते हो। तो या हेलो गाइस, तो अभी हम आए हैं यहाँ पर तिबेटन रेफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर पे आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्फन्स लोग रहते हैं और तिबेटन रेफ्यूजीज लोग रहते हैं। एंड ऑल्सो ये जगह का ये खासियत है कि उन लोग जो है सेल्फ हेल्प लोग हैं, तो उन लोग अपने हाथों से हैंडक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं, वुलन कपड़े बनाते हैं, जो भी बनाते हैं उन लोग यहाँ पर बेचते हैं। एंड हम लोग अगर इनको परचेस करते हैं तो विल हेल्प देम इन अ वे, वो हेल्प होते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं वो शॉप में घुसने वाली हूँ जहाँ पर उन लोग खुद ही हैंडक्राफ्ट आइटम बना के सेल करते हैं। ये देखिए, वर्कशॉप फॉर ओल्ड एंड इनफॉर्म टिबेटन रेफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर दार्जिलिंग, या ऐसा कुछ दिखता है। और यहाँ पर शॉप है, योर परचेज विल हेल्प द पीपल ऑफ दिस सेंटर, आर प्रोडक्ट्स आर नॉट सोल्ड आउटसाइड द शॉप। तो यहाँ पर जो भी बनते हैं यही शॉप पर मिलते हैं और मार्केट में नहीं मिलते। और वो देखिए, वहाँ पर रूफ में वूल वगैरह सुखाया है, बहुत अच्छा क्वालिटी का वूल होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर रग्स हैं, मैट्स हैं, ये सब यहाँ पर ही बनते हैं। ये देखिए जैकेट, कलरफुल वाला। देखिए प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए उनके फोटोग्राफ्स, उन लोग ऐसे बनाते हैं अपने हाथ से, देखिए। और ऐसे बनते हैं, ये देखिए यहाँ पर रग्स है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है ना, अच्छा क्वालिटी है। और ये देखिए प्राइस, कारपेट रेट। तो ये देखिए यहाँ पर दादी हैं, वूल वो कर रहे हैं। हेलो और यहाँ पर दादाजी हैं, देखिए हाँ धागा निकल रहा है। हेलो नमोरो में, ये देखिए इतना मेहनत से वूल वो करते हैं। और यहाँ पर करके, यहाँ पर जो दुकान पे रग्स देखे हैं यहाँ पर उन लोग बनाते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे है कारपेट वीविंग सेंटर, यहाँ पर है। ये देखिए ऐसे बनाते हैं ना, मोरो में इतना,
करते हैं, ऐसे बनाते हैं। देखिए वूल से ऐसे धागा बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे रग बना रहा है कारपेट। गाइस ये देखिए ये जो कारपेट बन रहा है ये पूरा 1 मंथ लगेगा बोला है ख़त्म होने में। ये देखिए दादी की उम्र बहुत ओल्ड लेडी भी यहाँ पर ऐसे काम करती हैं और रग से इतना मेहनत से बनाती हैं। आप लोग यहाँ पर आएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ परचेज करके जाना बिकॉज इन अ वे इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम। देखिए दर्शन का ब्लॉग्स देखती हैं अम्मा जी, शी रिकॉग्नाइज आंटी जी, वो बोल रहे हैं ओ दर्शन का मम्मी है करके। देखा देखा जैसा लगा ना दर्शन का ब्लॉग्स में देखा। ये देखिए यहाँ पर धागा सब रखते हैं, यहाँ से खरीदने आते हैं लोग धागा। ओ 1 kg का 1500। ये देखिए सारा कलर का, अभी हमने प्रोसेस देखा था आमा जी लोग वहाँ में बैठ के जो व्हील में वो कर रहा था रॉप ये कर रहा था थ्रेड वूलन वाला, तो वैसे बन के यहाँ पर आते हैं शॉप में फिर यहाँ से आप लोग आके खरीद सकते हो। ओ यहाँ पर एक कलर केमिकल सब। ये देखिए पर किलो का 1500 है बिकॉज इट इज़ ओरिजिनल, बहुत अच्छा क्वालिटी का मिलेगा आपको यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर वूल को डाई करते हैं, डाई करते हैं। वो देखिए ग्रीन कलर ब्लैक कलर। ओ ये देखिए मरून कलर। ये जो बन रहे हैं ये केमिकल वाले हैं और यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो है केमिकल वाला यूज हुआ और ये वाला नेचुरल नेचुरल ना। मेडिसिन ये देखिए यहाँ पर नीचे आग लगाया गैस गैस लगाया। जैकेट बना रहा है। देखिए उनको नेपाली भी आते हैं हिंदी भी आते हैं। 86 उम्र का ओ 86 उम्र का। हेलो नमस्ते हाँ कती बनाई छो कती बनाई छो ये जो ये शॉल शॉल पहना हाँ इतना प्यारा है उन्हें इतना मोरम लगता है। तबे कती बार से कुपन बा जो तबे कती बार से कुपन बा। ये देखिए गाइस बहुत ओल्ड वाले दादी भी हैं यहाँ पर, इतना मोरम लग रहा है देख के। आप लोग यहाँ पर आएगा जरूर विजिट करना उन लोगों को अच्छा लगेगा। गाइस अभी हम नेक्स्ट यहाँ पर आए हैं टी गार्डन देखने के लिए। ये देखिए ये है टी गार्डन, यहाँ पर आप कपड़े पहन के भी वो देखिए फोटोज क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पर चाय मिलेंगे आपको, चाय जालमुरी मोमो वगैरह। ये देखिए और यहाँ जाके आप लोग दार्जिलिंग टी का एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो गाइस अगर आप लोग उस साइड जाएगा तो रेफ्यूजी सेंटर है, टिबेटन रेफ्यूजी सेंटर जो हम अभी गए थे, और वहाँ से वापस आते समय आप लोग यहाँ पर टी गार्डन पे विजिट कर सकते हो। ये यहाँ पर पीछे साइड में टी गार्डन है और यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जिसमें आप लोग चाय पत्ती खरीद सकते हो। ये है ग्रीन टी, एक पैकेट का 200 रुपये होता है, और ये है रेड टी, ब्लैक टी, मिल्क टी। देखिए मिल्क टी मिलेंगे आप लोगों को और यहाँ पर आप लोग चाय भी पी सकते हो। यहाँ से सीधा जाने से टी गार्डन देखिए ब्यूटीफुल। ये देखिए गाइस अभी दार्जिलिंग टी पी रहे हैं यहाँ पर चाय पत्ती के बागान पे, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं हूँ स्टॉल नंबर 9 पे, यहाँ से पी रहे, बहुत अच्छा चाय बनाया भैया ने, कड़क चाय है। तो गाइस हमने स्टॉल नंबर 9 से चाय पिया, इतना टेस्टी था चाय, मेरा पूरा मूड
रिफ्रेशिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग भी ज़रूर यहाँ पर आएगा तो स्टॉल नंबर 9 पे ज़रूर चाय जो है टेस्ट करना, एंड यहाँ से चाय पत्ती लेके जाना, क्योंकि दार्जिलिंग आया और दार्जिलिंग से चाय पत्ती नहीं खरीद के गया, चाय टेस्ट नहीं किया तो क्या दार्जिलिंग आया, राइट? सो इसीलिए ज़रूर यहाँ पर आना और ट्राई करना। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे, लंच के लिए जाएंगे। तो गाइस इतना 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद हम मार्केट पहुँच गए, मतलब पूरा समय तो ट्रैफिक में ही निकल गया। मतलब क्या बताऊँ, मैं इतना आलसी हो गया ना गाड़ी में बैठ बैठ के। अभी हम जाएंगे कुछ खाना ढूंढने के लिए, कहाँ पर नेपाली थाली अच्छा वाला मिलेगा। सी मार्केट बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है, तो अभी पता नहीं, बहुत ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ये देखिए गाइस, वर्ल्ड कप आने वाला है तो फुटबॉल फीवर है दार्जिलिंग में बहुत बहुत ज़्यादा, सब लोग फुटबॉल देखते हैं तो सब जगह में फ्लैग्स फ्लैग्स है। और अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, मिलते हैं रेस्टोरेंट में। ये देखिए थकाली द नेपाली इंडियन क्यूजिन, तो जाएंगे खाना खाने। गाइस फाइनली हम लोग खाना खा रहे हैं, ये नेपाली क्यूजिन यम्मी। आंटी जी खा रही है चाउमीन और सूप, और हम मैं और अशु खा रहे हैं नेपाली थाली। ये है आलू फ्राई, ये है मूली की सब्जी, ये है फर्मेंटेड बीन्स की चटनी, ये क्या है फिलिंगे, फिलिंगे की अचार, और यह है चिकन करी, और यह है गुंजरू का सूप, और यह है डले और प्याज लेमन। ये इतना भूख लग गया, अच्छे से खाएगा। ओ और थाली में राइस है, और ये क्या है, बिटर गॉर्ड और ओ करेला और आलू की सब्जी, और ये है साग का सब्जी। सो गुड, खाते हैं। तो गाइस खाना तो खा लिया, खाना वाज सो गुड, इतना ज़्यादा खाया मैंने, 3 प्लेट खा लिया, एंड इतना एम्बेरेसिंग भी हो रहा था बट खा लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख था, एंड घर का खाना जैसा लगा था तो मैंने खा लिया। और ये अभी हम यहाँ पर है HD लामा रोड पे, यहाँ पर थ्रिफ्ट शॉपिंग कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या नहीं मिल रहा है। बट आई एम नॉट गोना व्लॉग दिस, वी आर जस्ट चेकिंग आउट द थ्रिफ्ट स्टोर्स, बहुत अच्छा लगता है थ्रिफ्ट शॉपिंग। उसके बाद मैं घर जाऊँगी और ब्लॉग खत्म करूँगी। इतना अच्छा अच्छा कपड़ा है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़ा है दार्जिलिंग। गाइस मैं यहाँ पर एक भैया की दुकान पे आई हूँ, मुझे इतना अच्छा कपड़ा मिला यहाँ पर, एक मनपसंद का जैकेट मिला और पैंट भी मिला। हाँ इतना अच्छा, रीजनेबल भी, अच्छा भी। हाँ आंटी ने मेरे लिए चॉइस कर दिया, थैंक यू आंटी। भैया आपका दुकान का नाम बताइए। इसरा कलेक्शन शॉप नंबर 3 NB सिंह रोड। अच्छा जरूर यहाँ पर विजिट करना आप लोग, दर्शन का भी सब्सक्राइबर है। दर्शन का भी सब्सक्राइबर है, थैंक यू भैया। चलो बाय। ये देखिए शाम होते होते स्ट्रीट फूड का लाइन लगता है, बहुत अच्छा अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है यहाँ पर। ये देखिए क्या बना रहे हैं, रोल, नूडल वाला रोल बना रहे हैं, दर्शन और अंकल के लिए पैक करके हम लेके जा रहे घर पे। हम लोग घर पहुंच गए हैं, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग डे एक्चुअली, आधा दिन तो पूरा ट्रैफिक में चला गया था। तो पता नहीं, आई डोंट नो विच सीजन इज द बेस्ट सीजन, बोलते हैं कि कौन सा सीजन था, मार्च अप्रैल ना, मार्च अप्रैल बेस्ट सीजन है बोलता है, आई डोंट नो, बट मे बी उस समय भी और भी ज्यादा, आज का दिन में जो ट्रैफिक था ना, उस समय भी और भी ज्यादा ट्रैफिक होगा। सो आई वुडंट गिव 10 out of 10 फॉर साइट सींग इन दार्जिलिंग, आई थिंक 5 out of 10 वुड मेरा पर्सनल जो रिव्यू है, बिकॉज मुझे इतना मजा नहीं आया। मुझे सबसे मजा तो बताशा लुप्त और रिफ्यूजी सेंटर में आया, और आज जो खाना खाया वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था खाना, तो मेरा पूरा मूड ठीक कर दिया, क्योंकि एक्चुअली मतलब दार्जिलिंग साइट सींग आई डोंट थिंक इतना अच्छा है, दार्जिलिंग साइट सींग से ज्यादा आई थिंक मार्केट ज्यादा अच्छा है, शॉपिंग ज्यादा अच्छा है, तो मैंने शॉपिंग में एंजॉय किया, आई बॉट दिस कोट भी, बहुत ज्यादा थ्रिफ्ट शॉपिंग भी किया, कल भी करूंगी। सो या एंड ऑल्सो हाँ, दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा हाइप तो ओनली दैट जॉय राइड ट्रेन रोप वे और जॉय राइड ट्रेन टी गार्डन और ये हाँ बताशा लुप और रेफ्यूजी सेंटर, ये सभी ठीक है, बाकी लाइक आई वुडंट रिकमेंड दैट मच। सो एनीवे व्लॉग यहाँ खत्म करती हूँ, घर में वापस आ गया, डैडी जी को भी मिल रहे हैं। हेलो डैडी जी, आज दिन भर घर में हमारे बिना अकेले हैं आज, ये सब लोग मेरे को अकेले छोड़ के गए। आज अपना डार्लिंग को कितना मिस किया आप? पूरा मिस किया, अभी तो भूखा है, किसी ने की सिखा नहीं दिया, पका भी नहीं है, अभी डिनर खाएगा अच्छे से, अभी आपका साथ मिलके पूरा डिनर करेंगे। कोई बात नहीं, कभी कभी
कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, होना भी चाहिए, एक्सपीरियंस है। हाँ, अपना डार्लिंग का इम्पोर्टेंस पता चला ना कि कितना इम्पोर्टेंस है, थोड़ा शॉपिंग करने में पैसे ना। हाँ, और प्यार भी बढ़ गया ना, दो बॉय गए और दो थोड़ा दुनिया अपने भी तो रिफ्रेश होना चाहिए, रिफ्रेश होना चाहिए ना। अभी आप क्या, आप भी मिस किया दिन भर? बहुत मिस किया, लंच किया, लंच किया, खाया, इतना टाइम तक किया। हम लोग लंच करते समय भी सोच रहे हैं क्या खाया, दो अंडे और दो वाले खाया, दो अंडे और दो वाले स्कूल से आ रही थी ना, कभी खा रही थी। अच्छा, इतना बड़ा पोल था, ओके। तो मैं व्लॉग यहाँ खत्म करती हूँ, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों का क्या राय है अबाउट दार्जिलिंग साइट सीइंग एंड ऑल्सो आज का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।